नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, लगातार शिक्षा विभाग में नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं और जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की कायाकल्प बदली जा रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे दोनों ही खुश नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें हम शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से अपना पदभार संभाला है, तब से लगातार ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में बदलाव आया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो स्कूलों में मिड डे मील चलती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के बच्चे थे, खाने के ही लालच में स्कूल तो ज़रूर आते थे, उनको बंद करवा दिया गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे, जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिलती थी, उसको बंद करवा दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है वो बताएंगे आपको। और ऐसे कई कितने जो कंपनीज हैं जो मिड डे मील देती है, उनके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, पटना से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिड डे मील पर कार्रवाई। 20 से अधिक डीपीओ का वेतन बंद, डीपीओ के वेतन पर लगाई गई रोक। आपको बता दें, जो मिड डे मील की थाली थी वो अब नहीं खरीदना होगा, और मिड डे मील के लिए जो वेतन है जो दिया जाता था, जो लोग भी मिड डे मील आपको प्रोवाइड करते थे सरकारी स्कूलों में, उनका वेतन अब रोक दिया जा रहा है, क्योंकि मिड डे मील में जो खाना मिलता था उसमें गड़बड़ी पाई गई है। और लगातार ऐसी खबरें हमेशा सामने आती है कि जिस तरीके से मिड डे मील स्कूलों में चलाया जाता है, उसमें गड़बड़ी सामने आती है। कभी चावल में खराबी, कभी दाल में खराबी, तो कभी सब्जियों में खराबी, और लगातार ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं। तो अब शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और मिड डे मील पर रोक लगा दी गई है। अब देखना होगा कि जब मिड डे मील पर रोक लगाई है, क्या स्कूलों में बच्चों के अटेंडेंस पर इस पर असर पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि ना मिड डे मील की वजह से हर कोई स्कूल आने की कोशिश करता था, अभिभावक भी जो बच्चों को स्कूल भेजते थे ये सोच के कि एक वक्त का खाना मिल जाएगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी आ रही थी। अब जब मिड डे मील रोक दिया, क्या इसका असर बच्चों के अटेंडेंस पर पड़ेगा। और अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, तो लगातार शिक्षा विभाग में सुधार आ रहा है। शिक्षा विभाग की वजह से सरकारी स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। जहाँ एक तरफ बच्चे स्कूल नहीं आते थे, अब बच्चे स्कूल आते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा एक बेस मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना भविष्य बना पाए। बीपीएससी के थ्रू शिक्षक दिए जा रहे हैं, अब बीपीएससी के थ्रू ही शिक्षक बहाली हो रही है। और आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जब बीपीएससी के ज़रिए शिक्षक बहाली हो रही है, तो किस आधार पर जो शिक्षक है वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि बीपीएससी अगर परीक्षा ले रही है, तो इसका मतलब यही है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होंगे वही पढ़ाई करवाएंगे। अब मिड डे मील पर रोक लगा दी गई है, वेतन पर रोक लगाई है। अब देखना होगा तस्वीरें क्या सामने आती है। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।